सलाम नमस्ते वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा रिटर्न तो मीम कॉइन्स ही देते हैं, ये हमको पता है। लेकिन सेल साइड में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स देते हैं। मीम कॉइन्स जब देते हैं तो अंधाधुंध देते हैं। अब इनमें से काफ़ी सारे लोगों का थ्योरी ये है कि जो मीम कॉइन एक बार बुल रन में अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, फिर वो दोबारा से नेक्स्ट बुल रन में या नेक्स्ट रैली में जो है वो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम माने यहाँ पे डोज कॉइन, शिबा इनू ने लास्ट बुल रन में हमने देखा है काफ़ी अच्छा हज़ारों गुना का यहाँ पे प्रॉफिट जो है लोगों को दिया है। अब कुछ लोगों का मानना है ये कि मीम कॉइन जो है या इस टाइप का जितना भी कॉइन्स है वो एक ही बार प्रॉफिट देते हैं या एक ही बार दिया है, अब वो नहीं देंगे, अब वो डेड हो चुके हैं या बैठ चुके हैं। अब देखिए, पहली बात ये तो है कि इस चीज़ों पे मैं नहीं मानता कि एक बार दे चुका है, बैठ चुका है, फिर जो है वो रैली नहीं देगा, इस पर मैं नहीं मानता। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि ये कॉइन जिन्होंने एक बार रिटर्न दे दिया है, जैसे शिबा इनू, डोज कॉइन, अब ये नेक्स्ट बुल रन में नहीं देंगे, तो नेक्स्ट बुल रन में कौन सा वो मीम कॉइन्स है जो कि बहुत तगड़ा, बहुत ही धमाकेदार रिटर्न देंगे? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जिन कॉइन्स ने रिटर्न दे दिया है उनको छोड़ के अभी कौन सा वो मीम कॉइन्स है जो कि आने वाले टाइम में हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, दमशम रखते हैं। सभी कुछ डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए कंप्लीट देखिएगा, कोई भी बात स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमें पहली बार देखा है, हमारे फैमिली के साथ अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। अब जैसे कि यहाँ पे लोग मानते हैं कि भाई जो कॉइन्स एक बार रिटर्न दे दिया है फिर उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है नेक्स्ट बुल रन में वो पंप देने का, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये चीज़ों को मान के, मतलब हाँ ऐसा होता है ये मान के मैं बना रहा हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि जिन कॉइन्स ने दे दिया है वो भी देंगे। मुझे तो शिबा इनू के ऊपर पक्का पूरा पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन देगा और डोज कॉइन भी देगा, क्योंकि डोज कॉइन का पीछे एलन मस्क है। शिबा इनू का फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन खैर छोड़िए, शिबा इनू का प्राइस प्रेडिक्शन इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं जो कॉइन ने दे दिया है उनको छोड़ के बाकी जितना भी कॉइन से कौन सा कॉइन जो है आने वाले टाइम में फायर और रॉकेट की तरह जो है वो दौड़ेगा। तो चलिए सीधा हम चलते हैं हमारा स्क्रीन पे, देखते हैं वो कौन सा मीम कॉइन है जो कि अच्छा खासा मार्केट में आने वाले टाइम में करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारा कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप जो है वो टोटली क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पे करता रहता है, सभी कुछ चीज़ें जो है बारीक से बारीकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाता है। अब कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे ट्रेंडिंग कॉइन पे देख रहे हैं सभी कॉइन जो है, तीनों के तीनों कॉइन जो है वो मीम कॉइन ही है जो ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। पेपे कॉइन है, लव हेट इनू है, फिर डोज सीईओ है। तो अब चलिए यहाँ पे हम कैटेगरी के सेक्शन में यहाँ पे मीम कॉइन्स में चलते हैं, चल के यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉइन जो है वो आने वाले टाइम में मीम कॉइन में अच्छा करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉइन जो है, सबसे पहला दो बड़े मीम कॉइन्स जो कि यहाँ पे शिबा इनू को हम तो मीम कॉइन का कैटेगरी में मानते ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन और सभी कुछ चीज़ें जो है वो आ चुका है, वो एक फिलहाल एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बन चुका है। लेकिन छोड़िए हम मान लेते हैं यहाँ पे मीम कॉइन से, तो डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो परफॉर्मेंस दे दिया था। अब हम मतलब एक क्रिटिकल इंसान की तरह हम मानते हैं कि ये कॉइन जो है आने वाले टाइम में रिटर्न देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने एक बार दे दिया है। अब वो कौन सा कॉइन्स है जो कि आने वाले टाइम में रिटर्न देंगे? तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला, मेरा हिसाब से मैं मानता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे नंबर पे है बेबी डोज कॉइन। अब देखिए, बेबी डोज कॉइन हम बात करें तो 2021 से उठने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था एक एक पॉइंट पे कि हाँ अभी ये शिबा इनू को टक्कर देगा, अभी शिबा इनू को टक्कर देगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉल्केनो का इरप्शन होता है ना, तो उसी तरह ये फटने का यहाँ पे राह में था, लेकिन ये फटा नहीं। मार्केट में एक तरीके से हमको मार्केट डाउन आते हुए देखने को मिला, FTX का ब्रेकआउट हो गया, FTX का ये हो गया, दिवाला निकल गया, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्केट में हो गया, इसीलिए मार्केट नेगेटिव दिशा में चला गया और बेबी डोज कॉइन को भी मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे जो है बेबी डोज कॉइन का यहाँ पे चांसेस बनता है कि नेक्स्ट बुल रन में 2024 का एंडिंग में, अगर हम बात करें या 25 का बिगिनिंग में, मतलब नेक्स्ट बुल रन तो 24 का, हाँ अभी जिस महीने चल रहा है मतलब मार्च अप्रैल महीने में हमको यहाँ पे हल्विंग देखने को मिल जाएगा, तो एंडिंग 2024 का एंडिंग नवंबर दिसंबर के आसपास हमको मार्केट में अच्छा खासा बुल रैली देखने का संभावना है, या 25 का बिगिनिंग में है, तो तब बेबी डोज कॉइन में हमको बहुत बड़ा यहाँ पे पंप जो है वो देखने का चांसेस है। अब नेक्स्ट कॉइन जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लोकिनो। फ्लोकिनो डेफिनेटली आप लोगों को पता है फ्लोकिनो का पीछे कौन है, एलन मस्क है। एलन मस्क एक ट्वीट करेंगे तो डेफिनेटली ये कॉइन जो है वो भागेगा, बहुत ही तेज़ रफ्तार से भागेगा।
अब ये मैं जितना भी मीम कोइंस बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई तू तो मीम कोइंस का अगेंस्ट में रहता है, या तू मीम कोइंस को बोलता है मतलब नहीं बाय करने के लिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन बाय करने के लिए। लेकिन आप मेरा हर वीडियो में जाके देखिए, मैंने बोला है आप 7 से 10% जो है वो मीम कोइन अपने पोर्टफोलियो में रखिए। वो अगर आप वहाँ पर 10 रुपये या 1000 रुपये में रखेंगे ना, तो आपका ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन से भी अच्छा अगर देना होगा तो ये कॉइन दे देंगे। तो इसीलिए मैं मीम कॉइन का ऊपर एक मतलब 10% से भी ज़्यादा यहाँ पे मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सेफ साइड के लिए मैं यहाँ पे 7 to 10% बोलता हूँ। तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन फर्स्ट कॉइन हम मान लेते हैं, सेकंड कॉइन यहाँ पे फ्लोकी इनू है, फ्लोकी इनू का पीछे यहाँ पे इलोन मस्क है। थर्ड यहाँ पे है पेपे। देखिए पेपे ने हमको यहाँ पे पेपे जो अभी देख लिया, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रैली दिया है, लेकिन बुल रन में यहाँ पे पेपे कॉइन ने पंप नहीं दिया है, अभी बुल रन रह गया है। पेपे कॉइन अभी यहाँ पे डाउन जा सकता है और भी डाउन जा सकता है, यह एक ही जगह पे मतलब कंसोलिडेट करेगा, लेकिन बुल रन में जो है नेक्स्ट बुल रन में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका जो है पेपे कॉइन दिखा सकता है यहाँ पे। तो पेपे कॉइन का ऊपर आप नजर रखना। अभी शायद ये एक भी प्रॉफिट ना दे, एक बार प्रॉफिट दे दिया है अभी बैठ गया है, लेकिन बुल रन इसको इस कॉइन ने अभी तक बुल रन नहीं देखा है। बाकी जितना कॉइन शिबाइनू बेबी डोज कॉइन शिबाइनू डोज कॉइन ने तो बुल रन देख चुके हैं, लेकिन पेपे कॉइन ने अभी तक नहीं देखा है। बुल रैली में इसका पंप देना का अभी भी बाकी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये कॉइन जो है बहुत तगड़ा ब्लास्ट करेगा रिवर टाइम में, बहुत ही तगड़ा। मतलब आपने सोचा नहीं होगा उतना तगड़ा ये पेपे कॉइन जो है वो कर सकता है, या तो ये गायब भी हो सकता है, ये चीज़ आप मान के रखना। मतलब 50-50 चांसेस है, अगर देगा तो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे पंप देगा। तो यहाँ पे है बेबी डोज कॉइन, फ्लोकी इनू, पेपे। अब यहाँ पे है डोज इलोन मस्क। जी हाँ, डोज इलोन मस्क जो है इसमें भी पोटेंशियल है, ये भी एक मीम कॉइन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट में प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। आने वाला टाइम में डोज इलोन मस्क में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम माने यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉइन जो है वो माई लेडी मीम कॉइन है। अब माई लेडी मीम कॉइन जो है ये कुछ दिनों में यहाँ पे प्रचलित हुआ था, अब सिर्फ इसका वायरलिटी का बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में ये कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मुझे और कोई भी यहाँ पे कॉइन में उतना खास यहाँ पे क्षमता नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कॉइन मैंने बोला है ये कॉइन में कोई ना कोई जो है कॉइन नेक्स्ट बुल रैली में बहुत तगड़ा ब्लास्ट जो है वो कर सकता है, बहुत तगड़ा पंप जो है वो दिला सकता है। तो इसीलिए ये कॉइन्स का ऊपर आप नज़र रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी कुछ चीज़ें जो है वो जानकारी मिला। मीम कॉइन जो है आने वाले टाइम में पोटेंशियल रखते हैं कि हाँ, एक कहीं ना कहीं अगर देंगे तो डेफिनेटली ये 56 के यहाँ पे रिटर्न जो है वो दिला सकते हैं। लेकिन आप पुराना अगर मार्केट में खिलाड़ी है तो आपको भी पता है भाई, ये ऐसा कोई बात नहीं है कि एक बार दे दिया है तो दोबारा नहीं देगा। बेबी डोज शिबाइनू और डोज कॉइन में भी चांसेस है, आने वाले टाइम में देगा, बहुत तगड़ा तरीके से दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।